वक्त सबका बदलता है, हालात भले ही कभी खराब हों, लेकिन अगर जज्बा हो तो उन हालातों को भी बदला जा सकता है। और इसे प्रूफ करके दिखाया है झारखंड की छुटनी देवी ने, जिन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से। छुटनी देवी का नाम उन 102 हस्तियों में शामिल है जिन्हें 8 नवंबर 2021 को पद्मश्री दिया गया। छुटनी देवी की कहानी डरावनी भी है और काफी प्रेरणादायक भी। साल 1999 जमशेदपुर के गमरिया गांव में विवाह के बंधन में बंधने के बाद छुटनी देवी अपने ससुराल आई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ससुराल में उनके साथ कुछ डरावना होने वाला है। आस पड़ोस में कुछ घटनाएं हुई और सभी का ठीकड़ा थोड़ा जाने लगा छुटनी देवी पर। एक तांत्रिक और अंधविश्वास के आगोश में आकर गांव वालों ने छुटनी देवी को डायन कहना शुरू कर दिया और फिर मारपीट कर गांव से निकाल दिया गया। लेकिन वहीं से छुटनी देवी की जिंदगी बदली और छुटनी देवी ने ठान लिया कि कुछ भी हो लेकिन पिछड़े इलाकों में से ऐसे अंधविश्वास को खत्म करके ही दम लेगी। शुरुआत में गांव के ही बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर 8 महीने तक रही और फिर गैर सरकारी संस्था के संपर्क में आई, जहां से वो आगे ही बढ़ती चली गई, महिलाओं की मदद करती चली गई। मायके यानी उस समय के बिहार और अभी के झारखंड के सरायकेला की रहने वाली छुटनी देवी ने वहीं से अंधविश्वास और ऐसी कुप्रथाओं के लिए काम शुरू किया। शुरुआत में जब वो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करती तो गांव से लेकर थाने तक उन्हें भूतनी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता। आज वही पुलिस मैडम सर कहकर संबोधित करती है, बड़े बड़े मंच पर उन्हें सम्मान दिया जाता है। छुटनी अब अकेली नहीं है, उसी की तरह डायन करार देकर प्रताड़ित की गई 62 महिलाएं आज उसकी टोली में शामिल हैं। अलग अलग गांव की इन महिलाओं को छुटनी ने गांव में पहरेदार बना रखा है। महिला प्रताड़ना की किसी भी तरह की घटना का पूर जोर विरोध करने वाली महिलाएं अपने मजबूत नेटवर्क के जरिए घंटे भर में न सिर्फ एकजुट हो जाती हैं, बल्कि संबंधित महिला को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।